रमन कुलड़िया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम सिंघराण गांव और आप देख रहे हैं चौधरी छोटूराम युवा क्लब सिंघराण द्वारा नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन 60 किलोग्राम भार में इनामी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसकी लाइव तस्वीर, अभी कुछ देर के बाद में आपको मैच की हम दिखाएंगे। जो मेहमान है, आज के जो मुख्य अतिथि है भूप सिंह फोगाट, वो पहुंच चुके हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और बातचीत भी करेंगे। जो है जो आयोजक टीम है, आप देख रहे हैं ये नेशनल कबड्डी का टीम का जो मैच, जो अभी कुछ ही देर में आपको लाइव दिखाएंगे, टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगी। रहे हैं नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट जो अभी स्टार्ट होने वाली हैं, और जो लाइनअप हो चुके हैं खिलाड़ी जो है मैच खेलने के लिए, और चीफ गेस्ट आज के जो हैं भूप सिंह फोगाट, समाज सेवी सिंघराण से, जो बच्चों को आशीर्वाद दे करके उनका मनोबल हौसला जो बढ़ा रहे हैं। आज आप देख पा रहे हैं कोच साहिबान से जो मुलाकात, पूरा जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज जो यहाँ पहुँचे हैं, तालियां बजा करके इनका जो है स्वागत। अभी ये मैच आप देख पाएंगे, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट आपके यहाँ जो खेली जाएगी अभी कुछ ही देर में, ये मैच शुरू होने जा रहा है। अभी स्टार्टअप लेने के लिए दोनों टीमें जो है खड़ी है, आप देख पा रहे हैं। हम युवा क्लब सिंघराण के प्रेसिडेंट प्रधान रमन कुलड़िया और इनसे जानकारी लेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि ये जो टूर्नामेंट नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता इनामी खेलकूद प्रतियोगिता 60 किलोग्राम भार में करवाई जा रही है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। क्या ये पहली बार हमारे गांव में प्रतियोगिता हो रही है, इसके लिए हमारे बच्चे तैयारी पहले से करे थे और ये इनका ऐसा कहना था कि सभी गाँव में हो रही है, हमारे भी करवाया जाए, इसलिए हमने एक छोटी सी पहल की है कि हमारे गाँव में इस तरह चीज़ होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे खेले और उनका प्रोत्साहन बढ़े। आजकल जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है नेशनल कबड्डी का, प्रो कबड्डी आने की वजह से, उसके बारे में भी आप बताएंगे। हाँ जी, हम ऐसा तो हमारे बच्चों से यही करते हैं कि ये भी आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लें ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो, इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी नशे पते से दूर अटके कुछ कार्य करे, बड़ा है कुछ रुझान खेल कूद। हाँ जी, अब ये गेम हो इसके बाद आप आगे दोबारा देख सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ जितना जो खेल खेला जाता है, जिसकी जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट करवाई जाती है, उसमें ज़्यादा खिलाड़ी तैयारी करने लग जाते हैं, रुझान बढ़ जाता है। अब हमारा ये विचार है कि हम हर छः महीने में ये करवाने की कोशिश करें, इनाम भी अच्छा रखा हुआ है। हाँ जी, एक थोड़ी सी कोशिश करिए कि बच्चे खेलते हैं उनका खर्चा कुछ इनाम से कुछ उनका प्रोत्साहन बढ़े ताकि आगे जाके थोड़ी सी और मेहनत करें। कितनी टीमें आने की उम्मीद है आपको यहाँ दो दिन में? हमारी उम्मीद एक पंचायत की हमने करवाई है, लगभग 25-30 टीमें आने की हमें पूरी उम्मीद है। दो दिवसीय गेम। हाँ हाँ जी, आप सुन पा रहे थे हमारे साथ में जो चौधरी छोटूराम युवा क्लब सिंघराण से जो प्रेसिडेंट है रमन कुलड़िया, इनसे बात कर रहे थे। हमारे बीच में अभी जो छोटूराम युवा क्लब सिंघराण के जो खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, टूर्नामेंट चल रही है, कबड्डी ग्रामीण कबड्डी खेल कूद प्रतियोगिता इनामी प्रतियोगिता चल रही है, इसमें आज के जो हमारे समाज सेवी मुख्य अतिथि हैं वो भूप सिंह फोगाट हैं, इनसे संदेश लेना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों गांव की तरफ से पूरे सहयोग मिल रहे हैं जी, और जितने भी खिलाड़ी बच्चे हैं इनका पूरा मान सम्मान आने वाली टीमों का भी करेंगे पूरा, और ये बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमारे गांव में 5-6 गांव में टीम आई थी, उसमें शाड़वा और हरिकोट विजय रही हैं, और उसके बाद में आज भी कम से कम 15-20 गाँव की टीमें और आएँगी और वो भी खेल कराएँगे। उसमें जो ये फर्स्ट आएगी उसको इनाम 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, और उनका सब कुछ यहाँ पर खाने पीने का प्रबंध, चाय पानी का कर रखा है बच्चों का, और जितना भी सहयोग गांव की तरफ से सारे गांव का है सहयोग। इस तरह की जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, क्या संदेश मिलता है युवाओं को?
बच्चों का उत्साह होता है इसमें, आगे बढ़ने की कोशिश है बच्चों की। अगर यहाँ से गांव से निकल निकल के बच्चे ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं तो इसमें पूरा सहयोग है गांव का, और इसका सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का यहाँ खेल अलग है, 60 किलो तक का अलग है, छोटे बच्चों का अलग करवाते हैं, 2 ग्राउंड बना रखे हैं। तो इसमें जो ग्रामीण पंचायत है, जो समाज सेवी हैं, उनका क्या सहयोग रह पाता है? पूरा सहयोग है जी, सारे गांव का, पूरा गांव सारा सहयोग कर रहे हैं, पंचायत का, ग्राम पंचायत का भी है। ये ग्राम पंचायत के लेवल के टीम के जो टीम थी उनका ही खेल कराया गया है, और ये और बाहर की टीमें बहुत आई रही हैं। तो क्या संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहोगे युवाओं को जो है खेल के बारे में? युवाओं जी, एक दूसरे को देखने से पता लगता है भैया ये बच्चे खेलेंगे, इनका उत्साह बढ़ेगा और आगे बढ़ने में कामयाब होंगे फिर सारे बच्चे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो भूप सिंह फोगाट, समाज सेवी सिंघराण गांव से, और इन युवाओं का जो खेल जो चल रहा है इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, इनको अपना मनोबल बढ़ाने के लिए सहयोग करें। बने रहिए PM Apo न्यूज़ से, और भी आपको ताज़ा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें PM Apo न्यूज़ से दिखाते रहेंगे खेल कूद प्रतियोगिताओं की। बने रहिए PM Apo न्यूज़ से, मैं रण सिंह।